हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लेकर आए बहुत टेस्टी खीरे का रायता। तो ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप लोग इसे तुरंत बना सकते हैं, बहुत जल्दी झटपट बनकर रेडी हो जाएगा और सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, खीरे का रायता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी तो देखिए, देख लेते हैं। तो हमने ये दो ग्रीन खीरे ले लिए हैं, बिल्कुल ताज़े फ्रेश खीरे हैं जिनको हमने धुलकर ले लिया है। तो आप जितना चाहें उतने खीरों को बना सकते हैं। तो देखिए, रायता बनाने के लिए हमने ये 1 चम्मच राई ली है, बारीक कटा धनिया लिया है, काला नमक लिया है और ये फ्रेश जमा हुआ दही है। तो इसमें से 1 बाउल दही हम लेंगे, तो बहुत ही ताज़ा और एकदम फ्रेश गाढ़ा दही है। तो इसको 1 बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा घर का जमा हुआ दही है। तो आप लोग भी इस तरीके से दही जमाया करें, बहुत ही इस तरीके का रायता बनाएं। ऐसे दही से रायता बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम मीठा दही है। तो खीरे का रायता मीठा ही अच्छा लगता है। देखिए, हमने इसमें बाउल में दही निकाल लिया है, तो चलिए इसे फेंट के भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसको फेंट के तैयार कर लिया है, तो बहुत ही गाढ़ा दही है। तो देखिए, खीरे को छील कर तैयार कर लेते हैं। और हमने ये 1 हरी मिर्च ली है, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और करी लीव्स हमने लिए हैं, तो चलिए खीरे को इस तरीके से पहले कट करेंगे। पीछे के साइड से इसको कट करना है और इसमें थोड़ा सा नमक लगाना है जिससे ये कड़वा ना हो। तो इस तरीके से इस पे घिस लेंगे और इसे कट करेंगे। उसके बाद हम इसे छील कर और इसे कद्दूकस करेंगे। तो इस तरीके से आप खीरे को काटें, बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। तो देखिए, इसको कट कर देते हैं आगे और पीछे के पार्ट को और इसको छील लेते हैं। तो देखिए, एक खीरे को हमने छील कर तैयार कर लिया, दूसरे को भी इसी तरीके से छील कर तैयार कर लेते हैं। और एक हमने ये कद्दूकस ले लिया, इसमें जो बड़े सुराख हैं इनसे हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए, दोनों खीरों को पहले कद्दूकस कर लेते हैं, उसके बाद हम रायता बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, दोनों खीरों को हमने कद्दूकस कर लिया है, तो चलिए रायता बनाना शुरू करते हैं। इसे हम सबसे पहले दही में डालेंगे। तो दही को जिसको हमने फेंट कर रखा था उसमें हम खीरे को ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच की हेल्प से हम इसमें दही में डाल देंगे। देखिए, इसे 1 चम्मच की हेल्प से इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें और सभी चीज़ों को भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, बारीक कटा धनिया को भी डाल देते हैं। इसमें धनिया बहुत ही टेस्टी लगता है, रायता हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसमें एक हमने बारीक कटी हरी मिर्च कट की है, उसको भी डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक डाल देंगे, काला नमक से रायता में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप जब भी रायता बनाएं तो काला नमक डालकर देखें, रायता बनाएं, बहुत ही टेस्टी रायता बनेगा। तो इसमें जीरा पाउडर डाल देते हैं और सभी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो चलिए, इसमें एक मज़ेदार वाला तड़का लगाते हैं जिससे हमारा रायता और भी ज़्यादा खूबसूरत बने और बहुत ही टेस्टी रायता बनकर तैयार हो। तो चलिए, इसमें एक तड़का लगाते हैं। तो देखिए, 1 चम्मच हमने सरसों के दाने लिए हैं और करी पत्ते से हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए, गैस पर एक पैन को रख देते हैं। इसमें हमने सरसों का तेल डाला है, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं, तेल को गर्म होने देते हैं। तो देखिए, गैस का फ्लेम हमने सिम कर दिया, सिम गैस पे ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो गैस का फ्लेम सिम कर देते हैं। ऑयल से अच्छी हीट आ रही है, तो चलिए तड़का लगाते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जो हमने राई ली थी उसको डालेंगे। तो राई का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है, रायता बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें 5 से 6 करी लीव्स डालेंगे। अगर आपके पास करी पत्ता ना हो तो आप इसमें केवल राई का भी तड़का लगा सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से लगाएं तो बहुत ही टेस्टी रायता बनेगा। तो चलिए, तड़का हमारा बनकर रेडी हो गया है, तो इसे अब रायते में लगाते हैं। तो देखिए, रायता बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो चम्मच से तड़के को मिला देते हैं और बहुत ही जल्दी हमारा रायता बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको कोई भी सब्जी पसंद नहीं आती तो आप लोग इस तरीके से एकदम फटाफट खीरे का तड़का वाला रायता ज़रूर बनाकर देखें। अगर आप लोगों को हमारे ये खीरे वाला तड़का वाला रायता पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को हमारा खीरे का तड़का वाला रायता कैसा लगा। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत पहुँच सके। और एक बार फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।